हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आ गया हूँ पवई पवई गार्डन में। तो गाइस यहाँ पर वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ आपको, जो कि बहुत ही अच्छा वाटरफॉल होता है। तो गाइस आपको पवई तालाब भी दिखाऊंगा और पवई लेक भी। तो गाइस अभी इस समय हूँ मैं पवई में, चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं पवई गार्डन। यहाँ पर वाटरफॉल बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जब तालाब भर जाता है तो पानी बाहर आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ गार्डन के अंदर पवई, ये बाहर का ही नज़ारा है। चलिए अब चलते हैं गार्डन के अंदर और आपको दिखाएंगे किस तरह से वाटरफॉल होता है, कैसा लगता है यहाँ पर। बारिश के मौसम में यहाँ पे आए तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लगेगा आपको, सब जगह ग्रीन ग्रीन और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं गार्डन में, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में और गार्डन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो गाइस ये पवई में है पवई गार्डन, इसके पास में पवई तालाब भी है और पवई लेक भी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ देख सकते हैं नल है, पानी भी पी सकते हैं, पानी भी आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ग्रीन आपको देखने को मिलेगा बारिश के मौसम में, बारिश में ही यहाँ पर आएंगे, देख सकते हैं आप। और काफ़ी बड़ा गार्डन है। वाटरफॉल की आवाज़ यहाँ तक आ रही है गाइस, चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे चल के। तो देख सकते हैं गाइस ये है पवई तालाब, जब बारिश में पानी भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो ओवर हो जाता है, तो यहाँ से निकलने लगता है, देख सकते हैं। गाइस जब ये तालाब भर जाता है तो पानी यहाँ से निकलने लगता है, तो अभी पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, नहीं तो यहाँ पर भी जा सकते थे। चलिए अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे, इधर से भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर पानी अगर कम होता तो नीचे भी जा सकते थे, लेकिन पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सीटें पड़ी हुई, आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं आप। बारिश में एक बार ज़रूर यहाँ पर आए, अगर मुंबई में रहते तो आपका आना यहाँ पर बनता है। हाय कर दो। ऐसा रिस्क ना लें गाइस, देख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पर पानी कम होता है तो वहाँ पर जाते हैं ना लोग, ये पानी कब कम होता है? नहीं, जब थोड़े दिन बारिश के हो रह जाएंगे ना, पानी ख़त्म हो जाएगा ना इधर का। जब हल्का हल्का पानी गिरता है तो नीचे जा सकते हैं ना? अभी ये ज़्यादा पानी अभी नहीं जा सकते ना, अभी तो कोई भी जाएगा तो बह भी जाएगा इससे, इतना पानी इतने तेज पानी में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
नहीं जाएगा, आगे से जाएगा। तो गाइस आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपको, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर आप एक बार आ सकते हैं, ये पवई में मेन रोड पर है, कहीं अंदर नहीं जाना है गाइस। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, पूरा ग्रीन ग्रीन है, गार्डन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। घूम लिया भाई, जा रहे घर। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर अगर आप आते हैं तो देख सकते हैं पूरा पानी का बहाव यहाँ से ऐसे आके बह जाता है पूरा, फिर वापस चला जाता है इधर से। तो गाइस यहाँ से अभी एक लड़का कूद गया है पानी में, तैरना आता है लेकिन गाइस रिस्क ना ले, देखते हैं किधर है वो। ये किधर कूद गया दिखाई नहीं दे रहा है, कौन लड़के लोग? हाँ, बाप रे, इतने गहरे पानी में कैसे? पानी का बहाव बहुत तेज है। किधर गया? पकड़ लिया। अच्छा वो उधर साइड में, वो मरने वाला नहीं, इसका रोज का काम है। इतनी तेज धार में वापस जा रहा है, काफी तेज बहाव है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी खड़े। कहाँ से आए भाई तुम? हम लोग आए जरीमरी। तो साकी नाका जरीमरी। अच्छा तो बोलो वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर किए। हाँ वीडियो को लाइक करो शेयर करो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम आनंद। मेरा नाम साजिद। दिखाते हैं आपको घूम के यहाँ पर क्या क्या है गार्डन में, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर फाउंटेन होता है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा है यहाँ पर, गर्मियों में शायद फाउंटेन होता होगा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर फाउंटेन होता होगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है गार्डन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। सारा पानी ऊपर चढ़ाई पर बना हुआ है गार्डन, देख सकते हैं यहाँ से पानी आता है और इधर से फिर उसी नाले में चला जाता है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ पानी चल रहा है, बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है मुंबई में। कहाँ से पकड़ा? अबे इधर लापास में ला मैं। अबे इधर ला के लेके आ, दिखा तो यहाँ पे कैसा है, जिंदा है कि मरा हुआ है? जिंदा अंकल, क्रोकोडाइल बोलते हैं। यहाँ पे रखना जमीन में थोड़ा। ए तेरी बहन भागी, देख लो ये क्या हुआ है। अब पकड़, अब इसको पकड़ के दिखा। पकड़ ले पकड़ ले, कर पकड़ ले। अरे हाथ से पकड़, काट लेगा मां। अबे पकड़ ले, पानी में चल देगा। अंडी पकड़वा रहा हूं तेरी मार। ये बाप, क्या नाम क्या है तेरा? नाम बता, तेरा नाम बता। मेरा नाम है केकड़ा। केकड़ा पकड़ने वाला है ना ये। तो गाइस देख सकते हैं ये पानी वाटरफॉल का सारा पानी यहाँ पर आता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव है पानी का, देख सकते हैं अगर कोई गिर जाए तो बह जाएगा सीधा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर पानी का काफ़ी ज़्यादा बहाव है। चलिए यहाँ पर मना कर रहे हैं, वहाँ बाहर निकल चलते हैं, सारा पानी है यहाँ पर। मिल गए भाई, ये स्टैंड करते हैं बहुत अच्छा। तो चलिए भाई करके दिखाइए। हाँ वाओ गजब। और कुछ करेंगे थोड़ा सा? एक बार और कर दो, रिपीट कर दो यार, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। वाओ जबरदस्त भाई का। अगर स्टंट अच्छा लगा तो भाई भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने ले भाई। भाई मेरी इंस्टा आईडी है बीबॉय ब्रूसली, डालना भाई आ जाएगी, पस में आ जाएगी। तो भाई अभी यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए और भी आपको दिखाते हैं, पवई लेक, पवई तालाब। तालाब तो आपको दिखाया है लेकिन फिर भी आपको दिखाते भी और क्या क्या है यहाँ पर है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस, आप यहाँ पर बारिश में ज़रूर एक बार आएँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रीन अच्छा लगता है और बड़ा गार्डन है और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई चलिए चलते हैं आगे, वापस निकल रहा हूँ इधर ही से वाटरफॉल की तरफ से। बार बार देखने को मन कर रहा है, वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। चलिए फिर से चलते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं।
काफी ज्यादा मजा आ रहा है वाटरफॉल देख के। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं वाटरफॉल का नज़ारा लेने। जब भी पानी कम होता है तो नीचे भी जा सकते हैं, आराम से वाटरफॉल में नहा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं तो भाई मैं आ गया हूँ अभी पवई लेक पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है पवई लेक, और ये पीछे देख सकते हैं पवई तालाब जिसका वाटरफॉल अभी हमने आपको दिखाया था पवई गार्डन में जिसका वाटरफॉल होता है। भाई ये बारिश में पानी इसमें ज़्यादा होने के कारण ये वहाँ पर वाटरफॉल होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है। इसमें कभी भी पानी सूखता नहीं, ये बहुत ही गहरा तालाब है और इसमें मगरमच्छ भी बहुत सारे हैं। इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है इसलिए 12 महीने इसमें पानी सूखता नहीं है। तो भाई पानी कम हो जाता है, वाटरफॉल बंद हो जाता है, लेकिन पानी सूखता कभी भी नहीं है इसमें। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं, हम दिखाते हैं ये वाला पॉइंट जिसको पवई लेक बोलते हैं। तो चलिए हम पवई लेक आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस पवई लेक बिल्कुल मेन रोड पर है, और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये है मेन इसका पॉइंट पवई लेक का। यहाँ पर पार्किंग भी कर सकते हैं, गाड़ी की पार्किंग है, बाइक पार्क कर सकते हैं। चलिए अभी हम आपको नीचे चल के दिखाते हैं क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको दाना डाला जाता है इसलिए यहाँ पर ये आते हैं। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं लोग, कुछ लोग। इस पानी में नहाया नहीं जा सकता है, पानी काफी गंदा होता है क्योंकि ये भरा रहता है। देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं। जो भी हमने वाटरफॉल दिखाया था तो गाइस ये वहाँ का है वाटरफॉल, वहाँ पर वाटरफॉल होता है। तो गाइस देख सकते हैं वहाँ से वाटरफॉल होता है, अभी हमने आपको दिखाया पवई गार्डन। पवई गार्डन वो है वहाँ पर वाटरफॉल होता है, यहाँ से आने यहाँ तक आने में 10 मिनट लगता है। चलिए अभी चल के हम आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये मेन पॉइंट है पवई लेक का, यहाँ पर पार्किंग बाइक कर सकते हैं और आप यहाँ का एंजॉय कर सकते हैं। ये मेन रोड से है बिल्कुल पवई लेक, यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो गाइस वहाँ से पवई गार्डन आप आएंगे तो यहाँ पर भी घूम सकते हैं, 10 मिनट लगेगा चल के आने में, काफ़ी पास में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इकरा भी देख सकते हैं गाइस इसको पूरा तोड़ दिया गया, बनाया नहीं अभी तक, इसको बनाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो गाइस पवई लेक करीब 1 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए बना हुआ झूला वूला देख सकते हैं। अभी तो खैर पानी भरा हुआ है, बारिश का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। आज बारिश खुली है तो इसलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो बारिश तो मुंबई में बहुत ही ज़्यादा होती है, आपको पता होगा। जहाँ से भी आप वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करके बता दिया करो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो देख सकते हैं बच्चे के लिए सब बना हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से सब ख़राब हो गया है। बारिश के बाद मेंटेन किया जाएगा, फिर से सही हो जाएगा ये सब। बच्चे के लिए यहाँ पर रात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो गाइस वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मुंबई में है तो यहाँ पर ज़रूर एक बार आना बनता है, क्योंकि ये सिटी के बीच में है, कहीं दूर जाना नहीं होता है। तो गाइस जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था बच्चों का ये पूरा बना हुआ है, बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर शाम को बच्चे ज़्यादा आते हैं, लेकिन बारिश की वजह से भी कोई नहीं आता है, वर्कआउट भी कर सकते हैं, कुछ सारा ऐसा है जिम के लिए भी आपको सामान मिलेगा। यहाँ पर बहुत कुछ बना हुआ है। और ये आ गए हूँ मैं तालाब के पास। अंकल मिली मछली? नहीं आ रहा, सब खाली है लगता है, वाटरफॉल में मछली भी बह गई सब। तो गाइस अभी आ गए हूँ यहाँ पर पवई लेक की, यहाँ तक इधर ज़्यादातर आपको कपल्स देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन है भाई, आपको भी दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ किनारे बैठने के लिए, तालाब के पास बैठ के ठंडी ठंडी हवा लें, आराम से बैठें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है मौसम।
तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है और बैठने के लिए बहुत ही अच्छी सीट बनी हुई चारों तरफ ये देख सकते हैं। हाँ भाई ये कितने का दे रहा है, कितने का दिया? सौ रुपये का? बाप रे कितना महंगा देता है। तो गाइस कुछ इस तरह से इंजॉय करते हैं यहाँ पर बैठ के लोग, शाम को यहाँ पर आते हैं अक्सर। बारिश नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है और काफ़ी ज़्यादा कपल्स भी यहाँ पर आते हैं। तो गाइस का गाइस यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली मिल गई है, देख सकते हैं। बिल्ली के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, बहुत ही क्यूट लग रही है। तो गाइस इधर का दिखा दिया, अभी मैं वहाँ पर जाके आपको दिखाऊंगा उस जगह पे। ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन वहाँ पर अभी आप मैं आप जाके दिखाऊंगा आपको वहाँ पर। चलिए चलते हैं, कपल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक नारियल का पेड़ खड़ा हुआ, नारियल भी लगे इसको। बारिश में बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन लगता है, आगे देख सकते हैं आप। यहाँ पर शायद ये जंगल जलेबी का पेड़ लगा हुआ है। कौन कौन जंगल जलेबी को जानता है कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारे गांव में होती थी पहले, बच्चों में हम लोग खाया करते छोड़ के। गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही ज़्यादा हम मेहनत करते हैं आपके लिए, बारिश हो रही थी फिर भी थोड़ा सा मौसम खुला देखा और यहाँ पर हम आ गए। बच्चों के लिए खेलने के लिए देख सकते हैं इसे, कुछ खिलौने भी मिल सकते हैं जैसे कि ये। गाइज फिर से एक बिल्ली मिल गई देख सकते हैं, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है। सीट पर बैठी है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक कम है, इसलिए सीट खाली, तो बिल्ली सीट पर बैठी हुई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। पत्थर पूरा ये पत्थर है, कोई टाइल्स नहीं है, ये पत्थर को काट के ही डिज़ाइन बनाई गई है इसके, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं। मुंबई में बारिश बहुत ही ज़्यादा होती तो इसीलिए सारा का सारा ग्रीन ग्रीन है, और शायद ये पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर जो कि भी बंद है। गाइस बहुत ही अच्छी जगह है ये, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है बता दें कमेंट करके। और बारिश भी हल्की हल्की सी होने लगी है, डर भी लगता है कहीं कैमरा वैमरा ख़राब ना हो जाए, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए करते हैं ऐसा। चलिए उस जगह तक हम आपको लेके चलेंगे, वो दिखाएंगे ज़रूर। गाइस जो गार्डन का भी गेट दिखाया था अभी आपको, तो गाइस वो बंद है, 5:30 बजे से चालू होता, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गार्डन है ये, पवई गार्डन की जैसा ही। पवई लेक पर भी एक गार्डन है, अगर यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर आएँ क्योंकि ज़्यादा बिकता है और अच्छा भी लगता है खाने में। चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस अगर आप पवई लेक पर आते हैं तो यहाँ पर आंटी के पास से ही लें, 30 रुपये का भुट्टा देती हैं आंटी और इनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप आपको अगर भुट्टा लेना है तो इनके पास से लें, पवई लेक अगर आप आते हैं तो इनको देखेंगे आंटी को पहचान जाएगा, यहाँ से लें तो इनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। इनकी कहानी सुन के बहुत ही दुख हुआ, आप लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं आंटी की, तो देख सकते हैं गाइस ये पवई लेक पर आंटी लगाती हैं, तो देख सकते हैं गाइस पापा की परियाँ आपको हर जगह मिल जाएंगी, देखो कहाँ पर बैठी हुई हैं। तो पापा की परियाँ हर जगह देखने को मिलेंगी गाइस आपको, देख सकते हैं गिर जाएगी ये तालाब में तो क्या होगा, इसमें मगरमच्छ भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो गाइस अभी हम चलेंगे उस तरफ, यहाँ से एक पॉइंट दिखाई दे रहा है गाइस, वहाँ का वो पॉइंट उधर नज़र आ रही पब्लिक,
तो भाई ये तालाब, ये जो गार्डन अभी बंद को जूम करके जो पॉइंट है जहाँ पर पब्लिक आपको दिखाई देगी, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर पूरी पब्लिक दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। चलिए वहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। गाइस यहाँ पर कपल ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। और ये देख सकते हैं साइड में आपको रोड दिखाई देगा, ये रोड पे लगा हुआ है, करीब 1 किलोमीटर में फैला हुआ लेक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये देख सकते हैं बैठने की जगह बनी हुई है यहाँ पर पूरे लेक में, 1 से 1.5 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। यहाँ पर लोग बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आपको कपल देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं गाइस जैसा कि, तो गाइस इस तरह से कपल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच गया हूं उस पॉइंट पर। काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, अगर आप चल के आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। अगर आपके पास बाइक है तो आप आराम से पूरा लेक घूम सकते हैं, नहीं तो चल के कोई भारी नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर का है तो आप घूम सकते हैं, अगर आप चलना चल सकते हैं तो। नहीं तो अगर आपके पास बाइक है तो बाइक से घूम सकते हैं। तो गाइज देख सकते हैं वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा चल के आया हूँ यहाँ से पूरा। ये देख सकते हैं पूरा पवई की बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है नज़ारा। ये शायद लास्ट पॉइंट है यहाँ का, ये लास्ट पॉइंट है, देख सकते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा स्टंट करते हैं यहाँ पर लोग। स्टंट करने वाले भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, टिकटॉकर भी मिल जाएंगे, सारे लोग यहाँ पर वीडियो बहुत बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यहाँ पर, देखने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा एरिया है। यहीं पर वीडियो को एंड, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।